40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर चांद की सतह पर लैंड किया, जिसकी तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की गई है। दोबारा से विक्रम लैंडर ने खुद को वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की। विक्रम ने खुद को 40 सेंटीमीटर सतह से ऊपर उठाया और दोबारा यहां लैंडिंग की गई। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये वो वीडियो है जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। विक्रम लैंडर ने कैसे खुद को पहले चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर से सतह को छुआ। चांद पर दोबारा विक्रम लैंडर की ये सॉफ्ट लैंडिंग, जिसकी तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की गई है। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले 23 अगस्त की शाम पहली बार विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ था और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत पहला देश बन गया था। और इसी मिशन से जुड़ी इस वक्त की ये लेटेस्ट खबर। मुझे प्राइड है इंडिया पर। साइकिल भी जब्त की है। पिछले महीने 29 अगस्त को रात 10:30 बजे भजनपुरा इलाके में मैनेजर हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने हरप्रीत और उसके रिश्तेदार पर गोली चलाई थी, जिसमें दोनों घायल हो गए थे, जबकि इलाज के दौरान हरप्रीत की मौत हो गई थी। स्पेन में हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के कई इलाकों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं वेलेंसिया में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर हाहाकार मच गया। तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। क्योंकि स्पेन के वेलेंसिया में जहां तक निगाह गई, सिवाय मटमैले पानी के कुछ नहीं नजर आया। पानी भी इतना कि कारें आधी डूब गई। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें बाढ़ के पानी को देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीच कोई डैम फूट पड़ा हो, जिसके बाद सड़कें तालाब में बदल गई। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि इसकी जद में आने वाले पेड़ तिनके की तरह बह गए। वहीं बाढ़ के पानी की वजह से कई कारें अटक गई। बारिश की वजह से कई पेड़ सड़क पर टूट कर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वहां बिगड़ते हालात के बाद राहत और बचाव दल एक्टिव हो गया, लेकिन बाढ़ ने पूरे के पूरे शहर को टापू में बदल दिया। और उधर इराक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के इरबिल इलाके में एक सड़क को बंद करने की वजह से लोगों को गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इन हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो लोग तब भी वहां से तितर बितर होने को तैयार नहीं दिखे।